वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाटर प्रूफ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक न्यूली मैरिड के लिए तो चलिए मेकअप को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुड वाइब का रोज़ हिप सीरम लिया है ये एजिंग की प्रॉब्लम को भी हटाता है और आपके जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसको लाइट करता है और अच्छे से हाइड्रेट करता है यहाँ पर मैंने गुड वाइब का रोज़ हिप जेल लिया है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्रेग्रेंस इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी है ये बहुत ही अच्छे से शाइन करता है मेकअप को बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग भी बनाए गई गई है और ये स्पॉट्स वगैरह को भी कम करता है उसके बाद मैंने यहाँ पे एनवाइबे का प्राइमर यूज़ किया है ये आपके मेकअप आप को बहुत देर तक आ, मतलब लॉन्ग लास्टिंग इसकी ज़्यादा अच्छी है किस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे फाउंडेशन बीबी क्रीम लिया था उसमें मैंने यहाँ पे आ, स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर अप्लाई किया है और मिक्स करके इसको पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे जो हूँ स्पॉन्ज uh, की हेल्प से भी अपने मेकअप को अच्छे से सेट करूँगी और ये वाटर प्रूफ हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि इस ब्यूटी का ये वाटर प्रूफ है गाय जब मैंने इसको लिया था तो उन्होंने पानी डाल के भी दिखाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लोकल मार्केट से मैंने लिया था एंड एंडवाईबे का मैंने कंसिडर लेके अपने जो है अंडर आइज़ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है कॉम्पैक्ट मैंने मेबलिन का यूज़ किया है और कॉन्ट्रो के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का ये लिया है कांट्रो पैलेट और अपने पूरे फेस को अच्छे से मैं इसे ब्राउन्स करूँगी लाइक नोज़ जॉ लाइन एवरी थिंग तो यहाँ पर मेरी कॉन्टोरिंग हो चुकी है और अभी मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई करूँगी ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट है इससे एक अच्छा सा पिंक सा शेड ले गए आप लोग आजकल देख रहे हो कि मैं ये पैलेट ज़्यादा यूज़ करूँ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है उसके बाद आते हैं आई मेकअप पे आईब्रो को मैंने फिल कर लिया था एन वाई बी की आईब्रो पेंसिल से उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है लिपस्टिक लिया है और ब्रश पे मेरे ब्लैक कलर का आई शेडो लगा हुआ था तो ठीक है अच्छा हो गया कलर उसके बाद फिर से मैंने इसके ऊपर रेड अप्लाई कर लिया ब्लेंड करने के बाद रेड पाउडर ताकि जो लिपस्टिक है वो क्रीज लाइन ना दे उसके बाद ये हल्का सा कॉपर शेड लेके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्रीज लाइन के ऊपर उसके बाद यहाँ पे मैं हाफ़ कट क्रीज़ बना रही हूँ उसके बाद ये कॉपर शेड लेकर अपने लिड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर के उसके बाद ये पिंक शेड लेकर अपने सेंटर ऑफ़ द लिड जो है वहाँ पे अप्लाई करूंगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हाँ उसके बाद यहाँ पे मैंने टेन रुपीज़ वाला ग्लिटर लीटर लिया जहाँ पे पिंक शेड लगाया था वहाँ पे अप्लाई कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर ऑफ द लिड पे उसके बाद ये सिल्वर कलर का मैंने लिया है Uh, क्या ग्लीटर आई और जहाँ पे मेरी कट क्रीज़ है वहाँ पे मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि कट क्रीज़ थोड़ा उभर के आए उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मी नाइन टू फाइव का आई ले रही हूँ और आज मैं डबल विंग्ड आई लाइनर बनाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो इस तरीके से कुछ मैं डबल विंगड आई लाइनर बनाती हूँ तो यहाँ नीचे पहले लगा लिया मतलब विंग बना लिया उसके बाद इसी से कनेक्ट करते हुए दूसरा मैंने विंग निकाल लिया है तो आप देख सकते हो उसके बाद जो साइड बीच में बचती है जगह वहाँ पे मैंने वाइट पेंसिल लगा लिया ताकि जो है विंग आई लाइनर उभर के आए लोअर लश्स लाइन पर मैंने लिपस्टिक लगाया था और ब्लैक शेड से मैंने फिर से इसको ब्लेंड कर दिया है और इनर कॉर्न पर मैंने गोल्डन शेड लगा लिया था फेसिस कनाडा का मैंने यहाँ पर मस्कारा यूज़ किया है और इसको लोअर लैश लाइन अपर लैश लाइन पे अप्लाई कर लेंगे सबसे पहले मैंने ये लिपस्टिक लगाई थी एमस्टर वगैरह कुछ है शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी तो इसके ऊपर मैंने जो है अप्लाई किया था पाइनियर लिपस्टिक मेब्लिन की तो ये है मेरा फाइनल लुक इसकी का मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था लिपस्टिक का शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो होप कि आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बा आई लव यू ऑल